अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर, देखो ध्यान से क्या बोला, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स टू द पावर 999 है, ठीक है, इज डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। जब एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 से डिवाइड मारते हैं किसमें, एक्स टू द पावर 999 में, तो बताना है रिमाइंडर क्या होगा मेरा, ठीक है। तो एक बार पहले वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, किसे डिवाइड मार रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो ये बताओ रिमाइंडर क्या होगा, जाहिर सी बात है डिग्री कितना है 2, तो डिग्री 2 है तो रिमाइंडर का डिग्री कितना होगा, मैक्सिमम डिग्री कितना हो सकता है, 1 हो सकता है और उससे कम होगा, मतलब क्या बोल सकते हैं, या तो लीनियर होगा या तो कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो अब क्या बोले, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 से डिवाइड मारते हो, उसमें तो मान लो कुछ भी कोसाइन बचा होगा क्यू ऑफ एक्स, तो क्या करते हैं, लेट कोसाइन को क्यू ऑफ एक्स मानते हैं, ठीक है, एंड रिमाइंडर कितना होगा, मैक्सिमम क्या पॉसिबिलिटी है, लीनियर, लीनियर के लिए क्या मानते हैं, ए एक्स प्लस बी, ठीक है, ये माने हम लोग कि जो इसे डिवाइड मारते क्वेश्चन कितना बचता है, क्यू ऑफ एक्स, और रिमाइंडर क्या आता है मेरा, ए एक्स प्लस बी, हमें रिमाइंडर फाइंड करना है, ठीक है। अगर मान लो कि कांस्टेंट आता है तो ये ए का वैल्यू कितना देगा, जीरो देगा, तो जीरो मल्टीप्लाई एक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब ये बढ़िया वाला टर्म खत्म होगा, क्या बचेगा, सिर्फ कांस्टेंट बचेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम क्या हो सकता है, लीनियर हो सकता है, डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, क्या होगा, पी ऑफ एक्स कितना, एक्स टू द पावर 999, ठीक है, ध्यान से देखना, अच्छे से समझना, ठीक है, इक्वल्स टू किसे डिवाइड मार रहे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कोसाइन से, तो कोसाइन कितना आया हुआ है, क्यू ऑफ एक्स अ प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है मेरा, ए एक्स प्लस बी, ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये फॉर्मूला अप्लाई किया, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया कोसाइन से, अ प्लस रिमाइंडर को जोड़ दिया, तो सबको सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा क्या, एक्स टू पावर 999, ठीक है। तो ध्यान से अब इसको क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं, फैक्टर कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, फैक्टर करने के क्या बताए थे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3 1 जो कितना होगा 3, तो क्या करें कि जोड़ने का टाइम कितना 4 आ जाए, तो क्या करते हैं, एक माइनस एक्स लेते हैं और एक माइनस 3x और ये प्लस 3, तो एक्स कॉमन आ गया, क्या बचेगा मेरा, एक्स माइनस 1, और यहाँ से माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, एक्स माइनस 1, तो ये कितना हो गया, एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 3, तो क्या करते हैं, इसके जगह पर हम ये पुट कर रहे हैं, ठीक है, इसके जगह पे, तो ये कितना हो जाएगा मेरा, एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 3, और ये क्यू ऑफ एक्स अ प्लस ए एक्स अ प्लस बी, मेरा मेन एम है ए और बी का वैल्यू निकालना, ठीक है, ये रफ वर्क है, और ये कितना हो गया, एक्स टू द पावर 999, ठीक है। और क्या करेंगे, एक्स माइनस 1 को 0 से इक्वेट करेंगे, तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 1, ठीक है, तो क्या करते हैं, पुट बारी बारी से, एक्स इक्वल टू 1, ठीक है, इन इक्वेशन 1, ठीक है, तो क्या करते हैं, एक्स का वैल्यू कितना पुट करते हैं, 1, तो ये 1 टू द पावर कितना हो जाएगा, 999, तो ये हो गया 1 टू द पावर 999, ठीक है, इक्वल्स टू ये 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, तो ये होल टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे कितना होगा, ये तो 0 हो गया, प्लस ए मल्टीप्लाई 1 और ये प्लस बी, तो मतलब ए प्लस बी इक्वल्स टू कितना हो गया मेरा, 1, 1 पावर कुछ भी रहे तो उसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू कितना, 1 माइनस बी, इसको क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, पुट एक्स इक्वल्स टू कितना, इसको 0 करेंगे एक्स पर, एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो एक्स इक्वल्स टू कितना आएगा, 3 आएगा, तो पुट एक्स इक्वल्स टू कितना, 3 इन इक्वेशन 1, ठीक है। अब एक्स पे एक्स का बजेगा 3 रखना है, तो 3 तो पावर कितना हो जाएगा, 999, तो ये 999 हो गया, ठीक है, इक्वल्स टू ये तो होल पार्ट 0 हो जाएगा, 3 माइनस 3 0, तो 0 में कुछ ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो ये टर्म खत्म हो गया 0, तो ये 0 लिखते हैं, प्लस ए एक्स, तो ए एक्स, एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 3, तो ये कितना हो जाएगा मेरा, 3 ए और ये प्लस बी, ठीक है। अब क्या करते हैं, ए का वैल्यू पुट करते हैं इसमें, तो ए का वैल्यू पुट करेंगे कितना, 1 माइनस बी, तो 3
मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस बी और प्लस बी, ये कितना हो जाएगा 3, और ये माइनस 3b और ये प्लस बी, ठीक है। ये कितना 3 to the power 90, ट्रिपल लाइन, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, तो 3 माइनस 2b और ये 3 to the power ट्रिपल लाइन, ठीक है, ध्यान देना कैलकुलेशन, ठीक। अब इसके बाद ये क्या करते हैं, इसको 2b को इधर ले जाते हैं और उसको इधर करते हैं, तो ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरा 2b माइनस में इधर लगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, तो 2b इक्वल्स टू, ठीक है। अब इसको उधर लेके जाना है, कितना होगा 3 माइनस 3 to the power 999, ठीक है, ध्यान से देखना 3 to the power 999। अब b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/2 3 माइनस 3 to the power 999, ठीक है, ये हो गया। अब एक 3 कॉमन निकाल सकते हैं ना, 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, तो एक 3 कॉमन निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, एक 3 बाहर निकालें तो ये कितना हो जाएगा 3/2, तो यहाँ पे एक ही 3 था तो क्या बचेगा 1, और यहाँ पे ट्रिपल लाइन में से एक 3 बाहर निकालें कितना बचेगा 98, तो कितना हो जाएगा 3998, ठीक है। 1 3 को बाहर निकालें, एक 3 को बाहर निकालें, कि मेरे पास कितना 3 था, 999 3 था, तो एक निकाले तो कितना बचेगा 998, मतलब 998, ठीक है। तो यहाँ से b का वैल्यू मिल गया। अब क्या करते हैं, a का वैल्यू निकालते हैं, a इक्वल टू कितना था 1 माइनस b, ठीक है। अब फ्रॉम टू तो a इक्वल टू कितना था 1 माइनस b, तो a इक्वल टू 1 माइनस b, b का वैल्यू कितना आया, तो 3/2 और ये 1 माइनस 3 to the power 998, ठीक है। कैलकुलेशन करना है, कुछ नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, -3/2 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 1, ये कितना हो जाएगा -3/2 और ये माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 3 to the power कितना, ट्रिपल लाइन, कोई दिक्कत, यहाँ पे एक 3 था और ये 3 पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा इस पर पावर कितना 1 और इस पर कितना 998, ऐड होगा कितना हो जाएगा ट्रिपल लाइन और नीचे में कितना 2, ठीक है। तो 1 माइनस 3/2 कितना होगा, तो 2 और ये 3, तो 3 में से 2 है कितना 1, मतलब -1/2, ठीक है। तो ये हो गया मेरा -1/2 और ये प्लस 3 to the power ट्रिपल लाइन डिवाइड बाय 2, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ए का वैल्यू कितना आया, अब क्या करेंगे, -1/2 या हाफ कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो इधर यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, ए इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा, क्या करते हैं हाफ कॉमन लेता है निकालते हैं, ठीक है, हाफ कॉमन लेते हैं, तो ये माइनस में था तो इसको बाद में लिखते हैं, पहले प्लस वाला लिखते हैं, कितना होगा 3 to the power ट्रिपल लाइन और ये कितना होगा -1, ठीक है। ये ए का वैल्यू मिल गया, ए का वैल्यू ये आया, बी का वैल्यू कितना ये आया था, तो अब हमें रिमाइंडर बताना था, तो रिमाइंडर कितना माने थे ए एक्स प्लस बी, तो क्या करते हैं ए और बी का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो इक्वल्स टू, ठीक है, ए ए का वैल्यू कितना आया ये, तो क्या लिखेंगे 1/2 3 to the power 999 -1 और ए एक्स है तो मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस बी, ठीक है, तो प्लस बी, बी का वैल्यू कितना आया 3/2 और ये 1 माइनस 3 to the power 998, ठीक है। तो ये हो गया मेरा क्या रिमाइंडर, ठीक है, ये हो गया मेरा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। पहले खुद से ट्राई किया करो, वीडियो को पॉज करो, आराम से करो, नहीं हो रहा उसके बाद देखो सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, ठीक, सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, ठीक है, ध्यान से देखना। क्या बोला, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स टू द पावर 5 इज डिवाइडेड बाय एक्स क्यू माइनस 4x, ठीक है। जब एक्स टू पावर 5 को डिवाइड करते हैं किससे, एक्स क्यू माइनस 4x से, तो रिमाइंडर क्या होगा वो बताना है। एक तो तरीका है कि इसको लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड मारो और रिमाइंडर निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग पढ़े रिमाइंडर थ्योरम, तो क्या रिमाइंडर थ्योरम को यूज करके हम क्या इसका रिमाइंडर निकाल सकते हैं, तो ध्यान से देखना, ठीक है। तो देखो
गिवन किया मेरा x टू पावर 5 और किससे डिवाइड मारा है x क्यू माइनस 4x है, तो सेम कंसेप्ट क्या करते हैं लेट द, अच्छा इसमें डिवाइड कैसे मार रहे हैं एक्स क्यू माइनस 4x है, मतलब ये क्या है क्यूबिक है, तो ये बताओ जो रिमाइंडर होगा उसका मैक्सिमम डिग्री क्या हो सकता है 2, ठीक है, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर मानेंगे वो क्या मानेंगे हम क्वाड्रेटिक का जनरल इक्वेशन, मतलब क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, और वो बात की बात है अगर वो ये अगर रिमाइंडर को लीनियर होना होगा तो ए का वैल्यू ऑटोमेटिक जीरो आएगा, ठीक है, अगर कॉन्स्टेंट होना होगा तो ए और बी का दोनों का वैल्यू जीरो आएगा, ठीक है, तो ध्यान से देखो ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्या मानते हैं क्यू ऑफ एक्स एंड रिमाइंडर को क्या मान लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्यों माने ये पता है ना क्यों, कि जैसे डिवाइड मारे वो क्या है क्यूबिक है, तो जो रिमाइंडर आएगा इससे जो रिमाइंडर का डिग्री होगा वो क्या होगा कम होगा, तो मतलब उसका मैक्सिमम डिग्री कितना है 3 है, तो जो रिमाइंडर का डिग्री क्या होता है मैक्सिमम 2 हो सकता है, ठीक है, तो इसलिए मैक्सिमम कंडीशन माने क्या एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो क्या लिख सकते हैं एक्स टू पावर 5 को किसे डिवाइड मार रहे हैं तो एक्स क्यू माइनस 4x, ठीक है, क्वेश्चन क्या आया क्यू ऑफ एक्स और जो रिमाइंडर आया ऐड कर देते हैं, क्या रिमाइंडर आया था मेरा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये माने हुए क्वेश्चन भी कितना माने क्यू ऑफ एक्स, ये सबको सॉल्व करेंगे तो किसके बराबर आएगा एक्स टू पावर 5 के, अब ये बताओ इसे क्या करते हैं एक्स का मान निकाल लेते हैं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 और ये क्यू ऑफ एक्स, ठीक है, अब प्लस इसको ऐसे लिख लो, अब यहाँ पे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है, फैक्टर कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी, मतलब 4 किसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी और ये क्यू ऑफ एक्स, अब प्लस ये रिमाइंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, ये किसके इक्वल होगा एक्स टू पावर 5 के, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, अब पता है बार बार क्या करना है जितने जीरोज होंगे बारी बार से वो वैल्यू पुट करना है, तो यहाँ पहले क्या करेंगे एक्स को वैल्यू इक्वेट करेंगे किससे जीरो से, तो एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा जीरो मिलेगा, तो पुट एक्स इक्वल्स टू जीरो इन इक्वेशन 1, ठीक है, तो एक्स का वैल्यू जीरो पुट करना है, तो जीरो पावर 5 क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, और ये तो पता है जीरो में कुछ ही मल्टीप्लाई करेंगे जीरो होगा, तो ये होल टर्म क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे ये जीरो बचेगा क्या सी, तो यहाँ से सी का वैल्यू क्या मिला हमें जीरो मिला, ठीक है ना, एक्स का वैल्यू जीरो पुट करती है होल टर्म जीरो, ठीक है, ये भी जीरो और यहाँ भी एक्स है, तो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स का वैल्यू कितना पुट करेंगे जीरो, तो जीरो मल्टीप्लाई है जीरो, यहाँ भी जीरो मल्टीप्लाई भी जीरो, एक सिर्फ वैल्यू हो जाएगा क्या सी, तो सी का वैल्यू क्या है मेरा जीरो आया, अब नेक्स्ट क्या करते हैं पुट एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे एक्स प्लस टू इक्वल्स टू जीरो, तो एक्स का वैल्यू कितना मिलेगा माइनस टू, तो पुट एक्स इक्वल्स टू कितना माइनस टू इन इक्वेशन 1, ठीक है, माइनस टू द पावर 5 इक्वल्स टू, अब एक्स का वैल्यू माइनस टू पुट के यहाँ पे माइनस टू और प्लस टू ये जीरो हो गया, तो ये जीरो हो गया, तो ये होल टर्म क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो कुछ मल्टीप्लाई क्या होगा जीरो होगा, तो ये खत्म, तो यहाँ पे क्या ए मल्टीप्लाई बाय माइनस टू का स्क्वायर, ठीक है, एक्स की जगह माइनस टू पुट किया प्लस बी बी मल्टीप्लाई बाय माइनस टू और प्लस सी, सी का वैल्यू कितना है जीरो है, तो यहाँ से जीरो पुट कर दिए, ठीक है ना, ध्यान रखना सी का वैल्यू जीरो यहाँ से पुट किए, ठीक है, तो माइनस टू की पावर 5 32, तो ये 32 हो गया, और ये बताओ प्लस या माइनस, तो पावर कैसा है ऑड है, तो क्या आएगा माइनस आएगा, यहाँ पे क्या होगा 2 का स्क्वायर 4, पावर कैसा इवन है, तो प्लस में आएगा कितना 4 है, और ये माइनस 2b, ठीक है, एक 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो एक 2 कॉमन निकाल के इधर क्या आएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो 32 डिवाइड बाय 2 और ये माइनस में, तो ये कितना होगा 2a और ये माइनस b, ये कितना आएगा 16, तो यहाँ से b का वैल्यू, तो b इक्वल्स टू कितना आ जाएगा b को इधर लगाए तो ये उधर चला जाएगा, कितना होगा 2a और प्लस 16, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है, b का वैल्यू मिल गया, अब क्या पुट करेंगे पुट x इक्वल्स टू कितना इस बार x माइनस 2 को 0 करेंगे तो x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो दैट इज x इक्वल्स टू कितना 2, ठीक है, तो पुट x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, तो ध्यान से देखो x का वैल्यू 2 पुट किए तो यहाँ पे कितना होगा 2 थ्री पावर 5
इक्वल्स टू, तो ये यहाँ पे टू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू माइनस टू जीरो हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा, तो ये होल टर्म जीरो, तो यहाँ पे आओ, ये कितना होगा टू का स्क्वायर कितना फोर, तो फोर ए अब प्लस टू बी अब प्लस सी का वैल्यू जीरो यहाँ से, ठीक है। टू दिवार फाइव कितना 32 अभी बताए थे, और इक्वल्स टू फोर ए अब प्लस टू बी, तो b का वैल्यू कितना है 2a प्लस 16, तो क्या लिखते हैं 2a अब प्लस 16, बस कैलकुलेशन करना है, तो ये कितना हो गया 4a प्लस 2 टू जा 4a अब प्लस 16 टू जा 32 और इधर 32, ठीक है। ये प्लस में, ये प्लस में, बीच में इक्वल टू है, दोनों बराबर, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 4 प्लस 4 कितना 8a, तो 8a इक्वल टू कितना 0, तो a का वैल्यू कितना आया 0 आया, ठीक है। a का वैल्यू 0, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा ए जीरो, ठीक है। ए का वैल्यू जीरो मतलब ये टर्म जीरो, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा 16, तो फ्रॉम 2 से, तो b इक्वल टू कितना आ गया मेरा 16, ठीक है। तो a का वैल्यू निकल गया, b का वैल्यू निकल गया, c का वैल्यू निकल गया, तो अब रिमाइंडर क्या होगा मेरा, तो क्या लिखेंगे देयरफॉर रिमाइंडर इक्वल टू कितना, क्या था रिमाइंडर, क्या था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अब प्लस सी, ठीक है। तो a का वैल्यू क्या मिला हमें, जीरो मिला, और c का वैल्यू जीरो मिला, तो ये तो जीरो प्लस b का वैल्यू कितना 16, ये x अब प्लस c, c का वैल्यू कितना जीरो, तो जीरो रिमाइंडर आया, वो कितना आया मेरा 16x, तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। तो देखो यहाँ पे कितना आया 16x आया ना, क्या है लीनियर है, ठीक है, बताए थे अगर लीनियर होगा तो a और c का वैल्यू जीरो, मतलब a का वैल्यू जीरो आएगा, यहाँ पे कांस्टेंट भी जीरो है, ठीक है। अगर कांस्टेंट आता तो a और b दोनों का वैल्यू जीरो आता, ठीक है, सिर्फ c का मिलता, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। क्या किया, एक तो तरीका है कि x पावर 5 में डिवाइड मारते लॉन्ग डिवीजन से, तो रिमाइंडर आ जाता मेरा, ठीक है, उससे भी आता है मेरा रिमाइंडर कितना 16x, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर 6।